फ्रेंड, वेलकम टू श्री अंबिका ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY एंटी एजिंग सीरम, जिसको बनाना और लगाना दोनों ही बहुत आसान है। फ्रेंड, जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम है, सीरम है, इतने कॉस्टली होते हैं कि मतलब हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भी मतलब अफोर्डेबल नहीं होते हर किसी के लिए। तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल एंटी एजिंग सीरम बनाया है, जिसको लगाना और बनाना दोनों ही बहुत बहुत इजी है। और मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं, वो सारे नेचुरल हैं, हर्बल हैं, आपकी स्किन को टोन करते हैं, फेयर करते हैं, एंड जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं, और बाकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, जितने भी एजिंग इफेक्ट होते हैं उनको भी रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, और मैं आपके लिए ऐसी इजी इफेक्टिव रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। मेरे चैनल का नाम आपने देख ही लिया होगा, श्री अंबिका ऑल इन वन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट हो रहा है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ डाइट स्टार्ट दी वीडियो। हियर आई एम यूजिंग पतंजलि एलोवेरा जेल। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी स्किन में शाइन देता है, एंड डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल, फाइन लाइंस, इन सभी को रिड्यूस करता है। सेकंड में ले रही हूँ यहाँ पर ग्लिस्टरीन। ग्लिस्टरीन हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, शाइन देता है, एंड डीपली उसको मॉइस्चराइज भी करता है। थर्ड में यहाँ पर ले रही हूँ हनी। तो हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये हमारी स्किन को टाइटनर एंड ब्राइटनर बनाता है, और साथ ही स्किन में स्मूथनेस भी देता है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुलाब जल। तो गुलाब जल भी मैं यहाँ पतंजलि का ही ले रही हूँ, और जो गुलाब जल होता है ये एक बहुत अच्छा टोनर है, और ये स्किन को टोन करता है और स्किन में एक शाइन भी देता है। ग्रीन टी, आप जानती हैं कि ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए एंड हमारी स्किन दोनों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसको भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस सीरम को बनाने के लिए। और जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है बादाम तेल, और ये 100% आमंड ऑयल है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये वाला लेना है, क्योंकि जितने भी एंटी एजिंग क्रीम एंड सीरम बनाए जाते हैं उसमें हम इस आमंड ऑयल का यूज़ ज़रूर ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये स्किन में शाइन देता है और डार्क स्पॉट को कम करता है। साथ ही आपको अगर डार्क सर्कल हो गए हैं ये इनको भी ख़त्म करता है, और ये जितने भी फाइन लाइन चेहरे पे आने लगते हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो आपने ग्रीन टी को क्या करना है, एक कप पानी को बॉईल करना है, जब ये हाफ रह जाएगा तो देन आपने इसको यूज़ करना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेमन। अब मैं इसमें लेमन मिक्स करूँगी, क्योंकि लेमन जो होता है विटामिन सी से भरपूर है, और जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको कम करता है और स्किन कलर को भी फेयर करता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। और मैं इसे बनाने के लिए एक बोल ले रही हूँ, एंड आप चाहें तो कोई बॉक्स पड़ा हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एलोवेरा जेल, और जो क्वांटिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी हमने 3 स्पून एलोवेरा जेल लेना है, और इसको अच्छे से हमने इस बाउल में मिक्स कर लेना है। सेकेंड मैं यहाँ पर लूँगी हाफ स्पून ग्लिस्टरीन, ये काफ़ी होगी इतनी ग्लिस्टरीन, तो यहाँ पर हम सिर्फ हाफ स्पून ग्लिस्टरीन लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले 3 स्पून आपने एलोवेरा जेल लेना है, हाफ स्पून इसमें ग्लिस्टरीन मिक्स करनी है, देन में इसमें मिक्स 2 स्पून रोज़ वाटर देखिए। और अब मैं जो आलमंड ऑयल होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसकी क्वांटिटी का हमने हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 12 to 15 ड्रॉप इनफ होंगे इस जितनी मैंने क्वांटिटी ली है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी लेमन। तो लेमन में इसमें ये हाफ लेमन काफ़ी होगा हमारे लिए, इतनी जितनी मैंने क्वांटिटी ली है इसके हिसाब से हाफ लेमन मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एंड लास्ट मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ग्रीन टी, और ये भी हमने 2 स्पून ग्रीन टी इसमें मिक्स करनी है। अब लास्ट मैं इसमें
1/4 स्पून काफ़ी होगा। 1/4 स्पून मैं इसमें हनी मिक्स कर रही हूँ। देन मैं ये जो सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखने में जो इसका टेक्सचर है इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी लग रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से बन जाएगा तो ये इतना ज़्यादा लिक्विडी नहीं लगता, लेकिन सीरम जो है वो थोड़ा लिक्विडी होता है। तो इसको मैं एक बोतल में स्टोर करके रख रही हूँ। देन आपने बोतल को शेक कर लेना अच्छे से, ताकि जो ये सीरम है आपका बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। देन आपका ये जो सीरम है बिल्कुल बनके तैयार है। तो देखिए मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, ब्लीव में ये इंस्टेंट शाइन देता है। जब आप इसको बनाएंगे और यूज़ करेंगे तब आप देखिएगा। देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई होप वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पर नेचुरल एकदम हर्बल चीज़ें आपके लिए यूज़ की हैं, जिनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑल स्किन सूटेबल है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कैसी भी स्किन है, आप सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और कितने कम पैसों में एक एंटी एजिंग सीरम बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये 100% वर्क करता है और बहुत बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैं खुद इसको ट्राई करती हूँ तो मैं इतने विश्वास के साथ आपसे कह सकती हूँ। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट, एंड आपके जो भी रिजल्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। एंड फ्रेंड देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, 1 से 2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। कम से कम आपको एटलीस्ट 10 to 15 days इसको यूज़ करना होगा, तभी आप इसके रिजल्ट देख पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड के साथ में। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका है कोई भी क्वेश्चन या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।